हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूँ उषा पंड्या और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे कैरिंग मॉम वर्ल्ड पे। तो दोस्तों मेरा ये चैनल का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आप कोई लड़का लड़की में भेदभाव समझें, पर क्या होता है कि जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो उसके मन में है ना वो जानने की जिज्ञासा ज़्यादातर बढ़ती रहती है कि उसको क्या होगा, एक बेबी बॉय होगा कि एक बेबी गर्ल होगी। तो दोस्तों उन्हीं उत्सुकता को शांत करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो वीडियो को पूरा एंटरटेनमेंट के तौर पर ही लीजिए और आगे वीडियो को देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनेगा वीडियो। तो दोस्तों आज हम बेबी बॉय सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप सेकेंड तिमाही में, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप जान सकती है चौथे पाँचवें और छठे महीने में कैसे, कौन से आपके चलने में, बैठने में, उठने में ऐसे कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं कि आप अंदाज़ा कर लगा सकती है कि आपको क्या होगा। हमारी जो बड़ी बुज़ुर्ग महिला है ना, वो यही सब सिम्टम्स को देखकर बता दिया करती थी कि गर्भवती महिला को क्या होता है, एक बेटी होती है एक बेटा होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट किया है चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और बाजू में बने बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि मेरी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपके चलने में, बैठने में सब काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। आपको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन कोई दूसरे को आप अगर बोलेगी ना, तो वो उनको ज़रूर आपकी चाल में, ढाल में, उठने में, बैठने में चेंजेस देख सकते हैं वो लोग, है ना। तो मतलब जैसे कि चलने में आपको, आप कभी भी चलती है मगर कहीं से भी उठती है, मतलब उठने का प्रयास करती है, उस समय अगर आपका जो राइट साइड का पैर है ना वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ता है, मतलब दाया पैर है वो सबसे आगे आता है ना हर बार, तो ऐसा माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है। तो फिर हम बात करते हैं दूसरे में, तो अगर बैठने में दोस्तों, बैठते समय अगर आप कहीं पर बैठ रही हैं, चेयर पर बैठ रही है, सोफे पर, आपकी सेटी पर, कहीं पर भी अगर बैठ रही है, तो उसी वक्त भी आप किसी भी हाथ का अगर सपोर्ट लेती है ना, तो वो सपोर्ट में भी अगर आपका राइट साइड का हाथ है उसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करती है ना, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। फिर हम क्या करते हैं, अगर आपको लेफ्ट साइड करवट लेकर सोना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो ये भी दोस्तों गर्भ में एक बेबी बॉय होने का सिम्टम माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो भी सिम्टम्स हैं ना, वो सबकी प्रेगनेंसी में अलग अलग रहते हैं, तो आप ये वीडियो जो भी है ना, कोई भी वीडियो आप इंटरनेट पर देखें, तो आप सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखा कीजिए दोस्तों, ठीक है। बाकी आप अपनी प्रेगनेंसी को पूरी एंजॉय कीजिए, ईश्वर का जो भी दिया हुआ है उसको मान और सम्मान के साथ स्वीकार कीजिए, उनको प्यार और पूरे पूरे अधिकार दिया कीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।